आज हम बात करने वाले हैं चेंजसो मैन सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में। सबसे पहले तो इसके एपिसोड 2 पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। आज के इस वीडियो में मांगा से चैप्टर 44, 45 और 46 को कवर करने वाले हैं और ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोज की तरह एपिक होने वाली है। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेंजी कहता है भाग जाऊं पर कहां। रीच कहती है मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां पर पब्लिक सेफ्टी कभी भी नहीं पहुंच पाएगी। हम वहां पर साथ में स्कूल भी जा सकते हैं। पर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करोगी। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ डेंजी। डेंजी सोचने लगता है तुम इतना क्यों हिचकिचा रहे हो। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो। नहीं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर आजकल मुझे मेरे काम के लिए तारीफ मिलने लग रही है। धीरे धीरे मैं बाकियों से दोस्ती भी कर पा रहा हूँ। मैंने अपना एक गोल भी बना लिया है तो क्यों ना मैं काम करते करते ही तुमसे मिलता रहूं। ठीक है डेंजी मैं समझ गई तुम किसी और को पसंद करते हो है ना। रीज जब ही डेंजी को किस कर लेती है पर एकदम डेंजी पीछे हट जाता है। रीज ने डेंजी की जीभ को ही काट दिया था। ये देखकर डेंजी अपने स्टार्टर को खींचने लगता है पर रीज उसका हाथ ही काट देती है। रीज उसे वापस किस करने लगती है। तुम्हें दर्द होने लग रहा है ना पर मैं अब तुम्हारा दिल लेने वाली हूँ। पर जब भी वहाँ पर भीम यानी कि शार्क फाइंड आकर डेंजी को बचा लेता है। भीम कहता है ये बुरा है बुरा है बुरा है मुझे उसकी गंध से ही पता चल जाना चाहिए था। चेंजो सामा वो बुरी खबर है वो स्मेल वो बॉम्ब है। जब रीज कहते हैं बूम और वो अपने आप को ही उड़ा लेती है। रीज के सारे बॉडी पार्ट्स वापस रीजनरेट करने लगते हैं और वो बिल्कुल एक डेविल बन जाती है। वो भीम और डेंजी के ऊपर हमला कर देती है। वो जमीन पर पंच करते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। भीम डेंजी को बचाने की पूरी कोशिश करने लग रहा था। बूम कहते हैं क्या तुम भी डिवीजन 4 के मेंबर हो। अगर तुम डेंजी को छोड़कर भाग जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। पर जब भीम अपना असली शार्क फंड वाला रूप बना लेता है और वो बॉम्ब के ऊपर हमला कर देता है पर बॉम्ब उसके सर पर हाथ रखते और ब्लास्ट करती है। भीम की बुरी हालत हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब भी वहाँ पर कुछ सिविलियन डेविल हंटर्स आ जाते हैं वो कहते हैं हम तो फेस्टिवल का मजा लेने आए थे पर देखो यहाँ पर क्या होने लग रहा है। वो डेविल उस शार्क जैसी चीज से लड़ाई करने लग रहा है। बॉम्ब कहती है तो तुम सिविलियन डेविल हंटर्स हो। वो उनकी तरफ एक चिंगारी फेंकती है पर उससे ही बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो सब मारे जाते हैं। बॉम्ब मुड़कर देखती है पर भीम डेंजी को लेकर भाग गया था। उसके बाद हमें पब्लिक सेफ्टी की ट्रेनिंग फैसिलिटी दिखाई जाती है। वहाँ पर आकी किसी के साथ बॉक्सिंग मैच करने लग रहा था और आकी जीत जाता है। जब भी उसके कंधे पर एक नोमो नाम का बंदा हाथ रख देता है। नोमो कहता है आकी मेरे दोस्तों को ट्रेन करने के लिए थैंक यू। ये कुछ नहीं है मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता था नोमो। नोमो कहता है वैसे तुम स्पेशल डिवीजन में क्यों हो वहाँ पर तो आए दिन खून खराब होता है। तुम्हें भी मेरी डिवीजन में ही आ जाना चाहिए 5 साल में मैं वाइस कैप्टन बन जाऊंगा। आकी कहता है थैंक यू। फिर आकी वहाँ से जाने लगता है। एंजल कहता है क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि तुम 5 साल में मारे जाओगे। ये बात तुम्हें कैसे पता है। मुझे पावर ने बताई थी। वो पावर भी ना काश मैं जल्दी मर पाता। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे काम करना पड़ेगा पर जैसे मैं मर जाऊंगा मुझे नहीं करना पड़ेगा। जब ही नोमो आकर चिल्लाने लगता है आकी हमें तुम्हारी नीचे मदद चाहिए। भीम डेंजी को लेकर वहाँ आ गया था। नोमो कहता है ये तुम्हारी टीम के मेंबर्स है ना। हाँ तुम सही कह रहे हो शार्क पॉइंट। डेंजी को क्या हुआ। बॉम्ब बॉम्ब आने लग रही है वो गन डेविल की दोस्त है। पर ये बात तुम्हें कैसे पता। भीम इस चीज पर कुछ भी नहीं बोलता। जल्दी जवाब दो वरना मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। पर मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं मारा जाऊंगा। मैंने माकिमा सामा से प्रोमिस किया था। वो आ गई बॉम्ब यहाँ पर है। नोमो बाहर जाकर चिल्लाता है तुम और आगे नहीं आ सकती। ये पब्लिक सेफ्टी डिवीजन 2 की ट्रेनिंग फैसिलिटी है यहाँ पर सिविलियंस नहीं आ सकते। बॉम्ब वापस रीज बन चुकी थी। रीज हंसते हंसते कहती है प्लीज मेरी मदद करो एक डेविल मेरे पीछे है। अच्छा तो फिर तुम ये बात हंसते हंसते क्यों कह रही हो। आकी कहता है नोमो हाँ आकी मुझे पता है जल्दी से डिवीजन 2 के वाइस कैप्टन को बुला लो। और हाँ क्या तुमने इस होटी को पहले भी देखा था तो तुम अभी तक लड़कियों के पीछे हो। नहीं मैं यहाँ पर सीरियस हूँ। रीज कहती है लगता है बात नहीं बनी। वो अपने कॉलर पर हाथ रखते हुए कहती है ये प्लान बी का टाइम है। नोमो कातो और तानाबे नाम के दो हंटर्स को आगे भेजता है। नोमो कहता है अगर तुमने इस डेविल को हरा दिया तो मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जाऊंगा। वो अपने हाथ से खून निकालने लगते हैं और एकदम से रीज को खून की उल्टी आने लगती है। वो कहते हैं हमने तुम्हारे दिल और इंटेस्टाइन में छेद कर दिए हैं अगर तुम रीजनरेट कर लोगे फिर भी वो छेद नहीं जाएंगे। पर जब रीज अपने सिर को ही उड़ा लेती है पर एकदम से रीज की बॉडी उसके कटे हुए सर को उठा लेती है और वो उसके सर को फैसिलिटी के अंदर फेंक देती है। उसका सर कहता है बूम और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के अंदर से निकलती है बॉम्ब डेविल और वो वहाँ के हर एक हंटर पर हमला करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ रीज की बॉडी अभी भी चलने लग रही थी। नोमो कहता है कौन और वहाँ पर फॉक्स टेल का पंजा जाता है पर रीज की बॉडी से आराम से डोज कर देती है। वो नोमो को गले लगाकर वहाँ पर ब्लास्ट कर देती है। फैसिलिटी के अंदर बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं। एक हंटर कहने लगता है वो यहाँ पर है मैंने डेविल को ढूंढ लिया। उस वक्त गन के हाथ में एक हंटर की कटी हुई बॉडी थी।
बॉम्ब वापस वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करती है। जब इसके ऊपर फॉक्स डायल का पंजा हमला करने लगता है पर वो इसे आराम से डोज कर देती है। तो तुम अभी तक नहीं मरे, नोमो की आधी बॉडी ब्लास्ट में उड़ चुकी थी। जब भी वहां पर फॉक्स डायल का सराकर बॉम्ब को खा जाता है, वहां पर डिवीजन 2 का वाइस कैप्टन आ चुका था। पर फॉक्स डायल का तो इसका टेस्ट काफी खराब है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। फॉक्स डायल वहां से गायब हो जाता है और बॉम्ब उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वाइस कैप्टन कहता है मैं सिंगल लोगों की पार्टी में जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होगी। नोमो कहता है सर मुझे भी ले जाओ। दूसरी तरफ आकी, एंजल, बीम और डेंजी एक कार में भागने लग रहे थे। आकी को जब एक फ्यूचर दिखता है, आकी कहता है डैम इट ये भी अभी होना था। एकदम से बॉम्ब डेविल उनके आगे आ जाती है। बॉम्ब डेविल के हाथ में नोमो और वाइस कैप्टन का कटा हुआ सर था। आकी कहता है राक्षस। और ये चैप्टर एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।